हाय आप अभी आ रहे हैं यू वाचिंग नागपुर टुडे। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में नागपुर सेशन कोर्ट ने 2018 में हुए कामले डबल मर्डर केस में 3 अक्यूज को गिल्टी घोषित कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। मेन अक्यूज उड़केश्वर का गणेश साहू है। अक्यूज में गणेश की वाइफ गुड़िया और उसका भाई अंकित भी शामिल है। इन्होंने मिलकर पैसों की आर्ग्यूमेंट पे जर्नलिस्ट रविकांत कामले की मां उषा कामले और उनकी बेटी राशि की हत्या कर एक ड्रेन में बॉडीज डिस्पोज ऑफ कर दी थी। केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने हैंडल किया है। आइए जानते हैं सीनियर लॉयर उज्जवल निकम और जर्नलिस्ट रविकांत कामले का इस पे क्या कहना है। देखिए मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, खुश भी इसलिए हूँ कि 3 अभियुक्त को आज जो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा फरमाई है, ये उन्होंने जिस प्रकार की दुष्टता से निर्दोष लोगों की हत्या, 2 लोगों की हत्या की है, पत्रकार रविकांत कामले इसकी मां और छोटी बच्ची जो 1.5 साल की थी उनकी जिस बेरहमी से हत्या की, इसलिए जो सजा आज कोर्ट ने फरमाई है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। सर केस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसमें एक जुवेनाइल था और 3 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। देखिए जिसमें एक जो जुवेनाइल था, जो माइनर था, उसको कोर्ट ने 3 साल की सजा की, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कानून के मुताबिक उसे जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन 3 साल उसको बाहर रहने के बाद उसकी रिहाई। आपको आपकी फैमिली को 5 साल बाद फाइनली कामले डबल मर्डर केस में जस्टिस मिला है, आपका इस पर क्या बोलना है? मामले को 5.5 साल हो गए हैं। ये मामला 17 फरवरी 2018 का है। इस मामले में माननीय सत्र न्यायालय श्री गावंडे साहब, इन्होंने आज जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में जो 3 आरोपी है, उन 3 आरोपियों को दोहरे जन्मठे मरे तक दी गई है और एक जुवेना जो आरोपी था उसको 3 साल की सजा दी है। और इस फैसले से हम समाधानी हैं। और इस फैसले में शुरुआत में जो हमारे जो तपास अधिकारी थे, मिस्टर ACP राजद मंसूर सर, उनके राइटर हर्षल खोबरागढ़ जी, हमारे वकील साहब एडवोकेट सोनोने साहब, इन्होंने काफ़ी मेहनत ली, काफ़ी जो पुरावे थे जो कोर्ट के सामने प्रॉपर तरीके से उस अपनी बाजू वहाँ मांडी गई, जिससे और मेन उज्जवल निकम साहब ने इस केस को किस किस की लड़ाई ली, कुल मिला के 35 गवाहदार इस केस में गवाही दी गई है और जिसके चलते आज ये फैसला हुआ है। इस फैसले से हम सब समाधानी है। और महत्व का नागपुर के उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे, अभी वो उप मुख्यमंत्री है, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस सर, उनका मैं आभार मानता हूँ, जिनकी वजह से उज्जवल निकम साहब हमें मिले।